जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं ममता, राठौर फैमिली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल ढोकले की रेसिपी शेयर करूंगी। जब भी आपका कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 कप तुअर की दाल ली है। दाल को हम एक बाउल में डालकर पानी से इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। दाल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे पकने के लिए मैं कुकर में डाल दूंगी। एक कप दाल के लिए हम यहाँ 2 कप पानी डालेंगे। आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ मूंगफली के दाने भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसके बिना ही बना रही हूँ। कुकर में ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। इधर हम ढोकली के लिए आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून तेल मोइन के लिए, 1 चम्मच अजवाइन को हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। स्वादानुसार नमक, और 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे। अब सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इधर हमारे कुकर में सीटी आ गई है, गैस बंद कर देंगे। आटे को हम धीरे धीरे पानी डालकर कड़क गूंदेंगे। ढोकली का आटा रोटी से थोड़ा कड़क गूंदते हैं। तो आटा हमारा रेडी हो गया है। इसे हम अच्छी तरह मसल कर रेडी कर लेते हैं। आटे की हमने 6 बराबर मात्रा में लोई काट ली है। लोई को आटे से लपेटकर हम बेलेंगे। यहाँ मैंने बेलने के लिए 1 थाली का प्रयोग किया है, क्योंकि मेरी लोई थोड़ी सी बड़ी है। पूड़ी को हम रोटी से थोड़ा पतला बेलेंगे। तो पूड़ी हमारी अच्छी तरह से बेल गई है। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह बाकी सभी पूड़ियों को भी बेलकर इसमें रख देंगे। दाल हमारी पक गई है और कुकर को हम चेक कर लेते हैं। दाल एकदम अच्छी तरह से पक गई है। इसे मथनी की सहायता से हम घोंट लेंगे। दाल को हम यहाँ मैंने 3 कप पानी ऐड किया है। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो 1 कप पानी और ऐड करूँगी। दाल ढोकली हम कुकर में ही बना रहे हैं। अब दाल में उबाल आने देंगे। तो दाल में हमारी अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब पूड़ी को हम छोटे छोटे से टुकड़ों में चौकोर कट करेंगे।
आप चाहें तो अपने मनपसंद किसी भी आकार में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ चौकोर छोटे छोटे टुकड़ों में कर रही हूँ। अब ढोकली को हम दाल में ऐड करेंगे। और कलछी की सहायता से इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। आप चाहें तो यहाँ इसमें गुड़ ऐड कर सकती हैं। सभी ढोकली को हमने कट करके दाल में ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरह से चलाकर इसमें ढक्कन लगाकर एक सीटी आने तक मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। तो सीटी हमारी आ चुकी है, कुकर भी ठंडा हो गया है। आइए दाल ढोकली चेक कर लेते हैं। ढोकली हमारी एकदम बहुत अच्छी तरह से पक गई है और दाल ढोकली की कंसिस्टेंसी भी एकदम बराबर है। अब हम वघार की तैयारी करेंगे। तो कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है। तेल हमारा गरम हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 2 चुटकी हींग, 1 बारीक कटा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हुई मिर्च, 1 कड़ी पत्ता और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे और उसे चलाकर मिक्स करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं, और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं इसलिए यहाँ नमक कम ही डालेंगे। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और टमाटर गलने तक 2 मिनट तक ढककर पकाएंगे। दो मिनट हो चुके हैं, टमाटर हमारे एकदम अच्छी तरह से गल गए हैं और वघार बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसे हम दाल ढोकली में ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से उसे मिक्स कर देंगे। वघार इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए उसके लिए 2 मिनट तक हम एकदम धीमी गैस पर कुकर को रख देंगे और दाल ढोकली को पकाएंगे। ऊपर से इस पर ढक्कन रख देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, मसाला हमारा एकदम अच्छी तरह से दाल ढोकली में मिक्स हो गया है और इसका टेक्सचर एकदम राइट है। दाल ढोकली हमारी अच्छी तरह से पक गई है। कटा हुआ धनिया डालकर इसे गार्निश करेंगे। दाल ढोकली को मैं सर्विंग प्लेट में सर्व करती हूँ। तैयार है हमारी दाल ढोकली। आप इसे दही, पापड़, प्याज के साथ खाएंगे तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। आप इसे लंच या डिनर किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।